गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ रीजंस की तरफ देखेंगे कि क्यों आप में से कई लोग ऐसी जॉब नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए सूटेबल हो। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये वीडियो इंडीड के साथ एक कोलैब है। इंडीड दुनिया की नंबर वन जॉब वेबसाइट है कॉमस्कोर के डेटा के हिसाब से। इंडीड के साथ मैं इसलिए कोलैब कर रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत ही जेन्युइन जॉब सर्चिंग वेबसाइट है और उसी के साथ साथ ही आप में से कई लोगों को अपनी स्किल और हॉबी को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकती है। हर महीने इसमें 3,10,000 जॉब एड होती है एंड अराउंड 22.2 मिलियन लोग हर महीने इस रिज्यूमे अपलोड करते हैं। दीज नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्फ्स, लेकिन मुझे इंडीड का एक बहुत बढ़िया फीचर जो लगता है वो है इनका फ्री ऑनलाइन रिज्यूमे बिल्डर। इस फ्री टूल का इस्तेमाल करके आप लोग अपना रिज्यूमे बना सकते हैं और उसमें बहुत सारे और फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस बात को बहुत ज्यादा एंडोर्स करता हूं कि आप लोग के पास अपने मल्टीपल वर्जन ऑफ रिज्यूमे होने चाहिए और इस वेबसाइट की मदद से ये काम करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इंडीड के कोड वॉरियर चैलेंज के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग साइन अप करेंगे तो आप लोगों को मौका मिल सकता है जीतने का एक एयरपॉड, अगर आप लोग 10 लकी विनर्स के अमंग हुए तो। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली करना क्या है कि एक टेक पजल को सॉल्व करना है और टेक पजल को सॉल्व करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लेना है, उनको एक्सेप्ट कर लेना है और अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद आप लोग इस चैलेंज को जीत सकते हैं। कोड वॉरियर चैलेंज के बारे में और डिटेल्स नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। तो सम ऑफ द रीजंस जिनकी वजह से आप लोगों को शायद जॉब नहीं मिल पा रही है, नंबर वन है कि आप लोग शायद रॉन्ग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। बहुत सारे लोगों की स्किल होती है लेट अस से कंप्यूटर साइंस और वो हंट कर रहे हैं जॉब वीडियो एडिटिंग की फील्ड में, या फिर मान लो उनको वीडियो एडिटिंग आती है लेकिन उन्हें किसी ने बता दिया कि यार वेब डेवलपर बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो वो चले गए वेब डेवलपमेंट की फील्ड में, जबकि उनको वेब डेवलपमेंट का डब्ल्यू भी नहीं आता है। तो आप लोगों को सही जॉब पे अप्लाई करना है। आपको ये नहीं कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, एक एरिया चुनो और उस एरिया के मास्टर बनो और फिर उसके बाद जॉब अप्लाई करो। तो आप लोगों को अपनी स्किल सेट के दायरे में रहते हुए जॉब सर्च करनी है और आप लोगों को वो स्किल्स आनी चाहिए जिसके लिए आप लोग जॉब अप्लाई कर रहे हो। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए आप लोग जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। काफी लोग गलती करते हैं यार ये कि जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। तो जब आप लोग जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके एम्प्लॉयर को क्या चाहिए और आप उसी तरह की स्किल सेट अगर रखते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई करें और अगर नहीं रखते हैं तो जॉब के लिए अप्लाई ना करें। दूसरा जो टॉप मोस्ट रीजन है वो ये है कि आप लोग गलत जगह पर अप्लाई कर रहे हैं। सही जगह पर अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली एंड टू माई सरप्राइज ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप लोगों को कोई जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे, आप लोगों को लगेगा आप जा रहे हो वेब डेवलपर बनने लेकिन आप अपने वर्क प्लेस पर एक्सेल में डेटा एंट्री कर रहे होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सेल में डेटा एंट्री करना बेकार है, लेकिन एक्चुअल में जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा गया था वो काम आपसे नहीं करवाया जा रहा है, विच इज नॉट राइट। इसीलिए आप लोगों को सही जगह पर अप्लाई करना है ताकि आप लोगों का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड ही आप लोगों से जॉब कराई जाए और आप लोग एक जेन्युइन वर्कप्लेस पर काम करें। इसके बाद का एक रीजन है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार जॉब प्राप्त करना एक फेवर है फॉर एम्प्लॉई फ्रॉम द एम्प्लॉयर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप कहीं पर जॉब करते हैं तो एक्चुअल में इट्स जस्ट एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर मनी और आप लोग उस वर्क प्लेस पर हैप्पी भी रहें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स अबाउट इट। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कोई आपको जॉब देकर बहुत बड़ा आप पर फेवर कर रहा है और आप उस हिसाब से काम कर रहे हो, उस माइंड सेट से काम कर रहे हो या फिर उस माइंड सेट से जॉब हंटिंग कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए जॉब हंटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी और आप लोग को शायद आपके पसंद की जॉब ना मिले, आपकी स्किल सेट को मैच करती हुई जॉब ना मिले। तो आप लोग को दिमाग में रखना है कि मैं अपनी स्किल्स या बनाऊंगी और उसके बाद ही मैं अप्लाई करूंगा एक जॉब को, ताकि मैं कॉन्फिडेंट रहूं जब मैं अपना काम करूं और मुझे अपना काम करना आता हो, मैं अपने कोर काम पे इतना फोकस करूं कि कंपनी चाहकर भी मुझे ना निकाल पाए। और अगर मैं एक पर्टिकुलर काम में एक्सेल करता हूं तो मुझे कंपनी दूसरा कोई ऐसा काम देगी नहीं जो कि मुझे पसंद ना हो, क्योंकि मैं अपने पर्टिकुलर कोर स्किल जो है मेरी वो बहुत बढ़िया है, मैं अपने कोर काम में बहुत ज्यादा अच्छा हूं। तो ये चीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए और इस माइंडसेट के साथ ही आप लोगों को जॉब सर्च करनी चाहिए। एक और रीजन जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि यू आर नॉट अप्लाइंग इनफ। यस, यू आर नॉट अप्लाइंग इनफ। आप लोगों को लगता है कि यार मैंने बस अपना रिज्यूमे डाल दिया एक पोर्टल पे और उसके बाद अब तो एम्प्लॉयर का काम है, मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं तो यार अपने घर पे आराम करूं और बाकी कामों में एंगेज हो जाऊं। लेकिन नहीं, आप लोगों को जॉब्स को एक्टिवली अप्लाई करते रहना है, आप लोगों को अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा एक्टिवली सर्च करना है जॉब्स को, क्योंकि नई नई जॉब्स ऑन अ डेली बेसिस पोस्ट होती रहती हैं और उनमें से हो सकता है शायद कुछ जॉब्स आपकी स्किल सेट को मैच करती हो। और जब आपका रिज्यूमे देखेगा एम्प्लॉयर तो डेफिनेटली अगर वो जॉब आपके स्किल सेट को मैच करती हो, इफ यू आर मेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। इसलिए एक्टिवली आप लोगों को जॉब को सर्च करना है, अपने रिज्यूमे के मल्टीपल वर्जन बनाओ। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने रिज्यूमे के मल्टीपल वर्जन बनाओ। लेट अस से मैं एक वेब डेवलपर हूं, मुझे एंड्रॉइड भी आता है
और उसी के साथ साथ मैं मशीन लर्निंग में भी अपने हाथ डाल चुका हूँ और मशीन लर्निंग स्किल भी है मेरी। तो अगर एक ऐसी कंपनी में अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पर एक जूनियर मशीन लर्निंग डेवलपर की मांग है, तो मैं अपना एक वर्जन ऑफ रिज्यूमे बना सकता हूँ जिसमें सिर्फ मेरी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग वाली स्किल्स हाईलाइट होंगी। ऐसा करने से मुझे सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि मैं उस कंपनी को अपना ये वाला रिज्यूमे भेज दूंगा एंड दैट्स इट, दे डोंट इवन केयर अबाउट माय वेब डेवलपमेंट और एंड्रॉइड, क्योंकि वो यार मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं। एंड आई डू द सेम थिंग फॉर वेब डेवलपमेंट एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट। अगर किसी एंड्रॉइड डेवलपमेंट वाली कंपनी में मैं जाना चाहता हूँ तो अपनी एंड्रॉइड की स्किल्स को हाईलाइट करते हुए अपनी बाकी स्किल्स अपने रिज्यूमे के सेकंड वर्जन में लिखूंगा। तो ऐसे अगर मैं तीन वर्जन बनाऊंगा अपने रिज्यूमे के तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी रीजन जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि अपने आप को अपस्किल करते रहो और अपने आप को अपस्किल करने के बाद और ऊंचे स्किल वाली जॉब्स में अप्लाई करते रहो। व्हेन आई से दिस, मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो आप बेसिक मशीन लर्निंग जानते हो तो शायद आप एक जूनियर डेवलपर के तौर पर अप्लाई करोगे, लेकिन लेट अस से आप लोगों का वेब डेवलपमेंट भी बहुत पक्का हो गया है तो फिर आप लोग वेब डेवलपमेंट जिसमें कि मशीन लर्निंग बैकेंड के लिए फ्रंट एंड्स बनाने हैं उस तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस तरह की स्पेसिफिक जॉब्स को खोज सकते हो जो कि आपकी स्किल सेट को मैच करती हैं और एक्टिवली रिस्पॉन्ड करो यार एम्प्लॉयर को। जैसे जैसे आप लोगों के पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं जॉब पोर्टल्स पर आप लोग जाकर रिस्पॉन्ड करो ताकि एक्चुअल में एम्प्लॉयर जान सके कि आप इंटरेस्टेड हो, आपकी क्या स्किल कैसे है। अगर इंटरव्यू शेड्यूल करना चाहता है तो अगर आप लोगों ने देखा ही नहीं एक्टिवली तो कैसे पता चलेगा आपके एम्प्लॉयर को कि आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप इंटरेस्टेड एक्चुअल में है ही नहीं, इसलिए पोर्टल को आप लोगों को देखना पड़ेगा यार ये बताने के लिए कि एक्चुअल में आप केयर करते हैं। एक्टिवली नई नई जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहना पड़ेगा, जैसे जैसे आप लोग अपस्किल कर रहे हैं वैसे वैसे अपनी स्किल्स को मैच करते हुए जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोगों को सारी की सारी टिप्स फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप लोग इनको फॉलो नहीं करोगे तो आप लोग भीड़ से अलग नहीं बन पाओगे और अगर आप लोग को एक अच्छी जॉब चाहिए तो आप लोगों को भीड़ से अलग बनना ही पड़ेगा, दैट्स अ फैक्ट। अब इन सबको अगर मैं मर्ज कर दूं और आप लोगों को सौबत की एक बात बताऊं तो सौबत की एक बात ये है कि आप लोग को अपनी स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, आप लोगों को अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा ताकि आप लोग एक्चुअल में एक वैल्यूएबल इंसान बन सके और एक वैल्यूएबल इंसान की ही आज की तारीख में डिमांड है जॉब मार्केट में। तो आप लोग को अपनी स्किल्स पर इतना फोकस करना है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तब आप लोग इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, आप लोग की बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी और आप लोग के वे ऑफ स्पीकिंग में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसलिए अपस्किल करना आप लोगों का अल्टीमेट सॉल्यूशन होने वाला है, अपस्किल करते रहो। और जो बाकी मैंने टिप्स आप लोगों को बताई है वो सब आप लोगों को फॉलो करना है और उसी के साथ साथ अपने डोमेन को आप लोगों को पकड़ के रखना है। अगर आप लोगों ने आज सोचा कि यार मैं वेब डेवलपमेंट करूंगा तो आप लोगों को वेब डेवलपमेंट फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई रास्ते में मिल गया उसने कह दिया यार मशीन लर्निंग की जॉब बहुत ज़्यादा है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाइप में चल रही है तो वो कर लो। नहीं, आप लोग को एक डोमेन पर स्टिक होकर रहना है, उसमें कुछ बन के निकलना है। ये नहीं कि आज आप C++ कर रहे हो, कल आपने जावा देख लिया, परसों आप लोग वीडियो एडिटिंग करने लग गए, फिर उसके चार दिन के बाद आप VBS की मैक्रोस चला रहे हो, तो ऐसे में आप कुछ भी एक चीज़ अच्छी तरह से मास्टर नहीं कर पाओगे। तो आप लोग को एक स्किल को पकड़ के उसको इतनी अच्छी तरह से मास्टर करना है कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में आप लोग काम कर सको। आई होप कि आप लोग को ये सारी टिप्स अच्छी लगेंगी और आप लोग इन सबको इनकॉर्पोरेट करोगे अपनी जॉब हंटिंग में। ऑल द बेस्ट, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।